Hello guys, welcome to my channel Hussey Learning and Technology. अगर आप अपने Amazon tablet को Android mobile जैसा बनाना चाहते हैं तो ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने Amazon tablet को Android mobile में कैसे convert कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जाना है आप Play Store पे। अगर आपके पास Play Store नहीं है तब भी आपको मैं बताऊंगा। तो आपने Play Store पे जाके सर्च करना है लॉन्चर। आपने लॉन्चर को सर्च किया और अगर आप तो सब मैं रिकमेंड करूँगा कि तो वन ऑफ द बेस्ट इज नोवा लॉन्चर फॉर Amazon Fire टैबलेट्स। सो प्लीज़ इंस्टॉल इट। और अगर आपके पास प्ले स्टोर नहीं है आपके Amazon Fire टैबलेट में तो आप कैसे इंस्टॉल करें? तो आपने जाना है सीधा अपने ब्राउज़र पे और आपने सिल्क ब्राउज़र पे जाके आपने गूगल पे सर्च करना है। आप जाना है गूगल पे गूगल आ रहा है प्लीज वेरी बिग आपने जाना है गूगल पे आपने जाना है गूगल पे गूगल आ गया गूगल और आपने गूगल पे सर्च करना है इधर नोवा लॉन्चर सर्च किया आपके पास कुछ इस तरह आगे तो नोवा लॉन्चर होम भी आ चुका है। ये आपने इस पे जाना है नोवा लॉन्चर पे novalauncher.com आ चुका है मेरे साथ आपके सामने कुछ डिस्प्ले इस तरह का आएगा। आप प्ले स्टोर पे भी कर सकते हैं एप्पल स्टोर से भी कर सकते हैं। तो इसको पैक करते हैं। हमने प्ले स्टोर से नहीं करना, हमने इसकी APK फाइल इंस्टॉल करनी है। तो आपने जाना है अप टू डाउन पे इसका APK फाइल इंस्टॉल करनी है। डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन 12.3 MB का उधर 5 MB का तो कोई भी बात नहीं 12 MB का है तो आप इधर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं APK फाइल। तो मैंने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया नोवा लॉन्चर को। तो आपने जाना है नोवा लॉन्चर पे इसको रन करना है। रन करके आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले है। अगर आपने लाइट थीम रखनी है अपने लॉन्चर की तो आप लाइट सकते हो। मैं डार्क रखूँगा क्योंकि मुझे डार्क पसंद है तो डार्क पे टैप करूँगा। और आप अपने आइकन्स का साइज बढ़ा भी सकते हैं और लो भी कर सकते हैं। तो आइकन का जितना इतना बड़ा है और राउंड में चाहिए सर्कल में चाहिए शेप्स में आप खुद ही कर सकते हैं। तो राउंड में करूँगा मैं तो। और अगर आप ऐसे वेदर का भी चेंज कर सकते हैं प्ले स्टोर पर करूँगा। और किलो आइकन्स विजेट्स भी आ जाएंगे फिर उसके बाद ये भी कर सकते हैं कलर ज़्यादा डार्क करनी है इतनी रखनी है मैंने कर लिया सेलेक्ट। और अब हम टिक को दबाएंगे और टिक को दबा दिया और अब हम दोबारा से इसके ऊपर टैप करेंगे और आपके सामने कुछ इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा। और अगर आप और बेहतर परफॉर्मेंस बनाना चाहते हैं तो आप मसी जाएंगे नोवा सेटिंग्स पे और नोट सेट एज डिफॉल्ट। अगर आप इसे डिफॉल्ट लॉन्चर पे कर सकते हैं टैप टू सेट पे कर सकते हैं तो अगर ओपन लिंक्स में आ जाएगा। मे बी अगर आपके पास डिवाइस में ऑप्शन हो तो आप कर सकते हैं। मेरे डिवाइस में ऑप्शन नहीं है तो ये डिफॉल्ट पे नहीं कर सकता मैं। तो अगर आप होम स्क्रीन पे क्लिक आउट करें आप डेस्कटॉप भी चेंज कर सकते हैं आइकॉन बार स्टाइल और काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं ऐड आइकन्स टू होम स्क्रीन और आप काफ़ी सारे आइकन्स इसके यहाँ के फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर इट्स गुड वन। और अगर आप फोल्डर्स बनाना चाहते हैं
वोल्टो आइकन्स और ऐसे भी आपके पास आ जाएगा, बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। तो ऐसे ही होपफुल कि आपने वीडियो इंजॉय की होगी, और अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।